यस बी क्लास, नेक्स्ट टॉपिक का नाम है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन थ्री डायमेंशन भी। अभी जो मैंने किया टॉपिक किसके लिए किया, वो टू डायमेंशंस के लिए किया। अभी किसके लिए करेंगे, थ्री डायमेंशंस के लिए। टाइम कितना हो गया भाई, टॉपिक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? टाइम कितना हुआ? बेल टाइम क्या होता है? चलो करते हैं, देखते हैं इसको। ओके भाई, हमें करना है कंपोनेंट वेक्टर को तोड़ना है किसके अंदर भाई, थ्री डायमेंशंस के अंदर। समझ में आई? कैसे तोड़ोगे भाई? व्हाट बाय थ्री डायमेंशंस भी, इसमें एक्स भी होगी, वाई भी होगी और जेड भी होगी। यस और नो? तो ये रूम किस में है? टू डायमेंशन में है। कमर पूरा कमरा किस में है? थ्री डायमेंशंस में है कमरा ये पूरा। किस में है? थ्री डायमेंशंस के अंदर। इसमें एक्स एक्सिस भी है, वाई भी है और जेड एक्सिस भी है। समझ में आई भाई? एक्स वाई और जेड, तो किस में आएगा ये? थ्री डायमेंशंस के अंदर। तो एक रूम का एग्जांपल लेंगे हम लोग कंप्लीट। मैं पहले कमरा बना लेता हूँ। हमारे पास एक क्यूब है भाई, क्यूब समझते हो? हमारे पास एक क्यूब है, ये इसका ओरिजिन पॉइंट मान लेते हैं। ये एक्सिस जो है आपकी, ये एक्स मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं भाई, और ये क्या है? जेड। सही है, तीन एक्सिस हैं अभी क्लास, एक्स वाई और जेड। डायग्राम नहीं बनाना अभी आपको किसी को भी, ठीक है? रूम दिखा रहा आपको, ये पॉइंट वो मान लो भाई, ये वाला पॉइंट, ये मर्जी है मान लो तो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा मान लोगे? ये वाला पॉइंट वो है भाई, ठीक है? ये जो एक्सिस है ये कौन सी है? एक्स मान लेते हैं। ये वाली कौन सी है? वाई। और ये तो ओके, तो ये एक्स एक्सिस है, तो ये कौन सी है और वो एक्स है, उस तरफ जा रही है, तो सारी कौन सी हैं? एक्स भी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इस तरफ जो आपकी तरफ जा रही हैं सारी कौन सी हैं? वाई। जो ऊपर से खड़ जा रही हैं सारी कौन सी हैं? जेड भी। तो कितनी जेड है यहाँ पे बता दो, कितने एक्स हैं, कितने वाई हैं? 12 हो गए, तो 12 हैं, गिनिए। चार ऊपर, चार नीचे, चार खड़े, कितने हो गए? पूरे हो गए। चलो अब देखिए, अभी कोई वेक्टर है क्लास, इस पॉइंट से लेके नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी। ओके, ए से लेके डी तक कोई वेक्टर है भाई, इट इज वेक्टर ए, जिसको मेरे को रिजोल्व करना है। मेरे को बताओ भाई, पॉइंट ओ और पॉइंट डी इस रूम में कौन से पॉइंट है भाई? पॉइंट ए तो ओ तो ये मान रहे हम लोग भाई, वेक्टर कौन सा है? इस कोने से लेके उस कोने तक का वेक्टर भाई, ऐसे। समझ में आई बात है? कौन सा वेक्टर है ये? ए। क्या तीनों में होगा? एक्स में भी होगा, वाई में भी होगा, जेड में भी होगा भाई। यस और नो? क्योंकि हवा में आ रहा है वेक्टर पूरा, कर पाओगे? तो इसकी वैल्यू एक्स में कितनी होगी भाई? परछाई गिरेगी इसकी, तो कुछ ना वैल्यू तो होगी भी यहाँ पे, इट इज ए एक्स भी। सही है कि नहीं है? वाई में कितना होगा? ए वाई। जेड में कितना होगा? ए जेड। ये निकालना मेरे को, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए वाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए जेड, डायरेक्शन के साथ भी कर लोगे। मैं क्या करता हूँ, एक लाइन ड्रा करता हूँ यहाँ से यहाँ तक की भी, यहाँ से यहाँ तक। ये लाइन कौन सी है इस यहाँ कमरे में कौन सी? सोच, दिमाग खोल लो अपना, दिमाग क्या हो रहा है? मैं अभी कमरा नहीं बना सकता बोर्ड के ऊपर तुम्हारे लिए, सोचना पड़ेगा क्या हो रहा है अभी। यस और नो? जो ही मैंने लिखा है ओ से जी लाइन कौन सी है भाई? ओ से नीचे की तरफ जा रही है उस पॉइंट तक भी। ये कौन सा पॉइंट है? जहाँ के ऊपर वेक्टर ए मिल रहा है अभी। सही है कि नहीं है? कर पाओगे? क्या ये एंगल 90 डिग्री है? नहीं है? कैसे?
एक लाइन वो आ रही है, ये रही, नीचे से एक लाइन जा रही है, कितना है? 90 है भाई। क्यों नहीं 90? दिख नहीं रहा वो अलग बात है, 90 लग रहा आपको? ये एक लाइन ऐसे आ रही है जेड वाली, और नीचे फ्लोर से एक लाइन खींच रहे हो आप लोग, कितना बना रही है एंगल्स? 90 बना रही है भाई। दिस इज 90 डिग्री एंगल्स पे, यस सर नो? कि अगर मैं बात करता हूँ ओ डी जी की, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है? Yes, सही है कि नहीं है? ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। सोचो, 3D पिक्चर बता रहा हूँ आपको मैं, सोचना पड़ेगा आपको इसके बारे में, कर लोगे? दोबारा देखिएगा, रूम है भाई, रूम किसके अंदर है? एक्स वाई जेड में है अभी, ठीक है? एक वेक्टर पास करवाया मैंने, कहाँ से लेके ओ से लेके डी तक भी, तो ये पॉइंट तो ओ है आपका, तो डी पॉइंट कौन सा है? ये सामने कोने वाला ऊपर भी वेक्टर है जा रहा है, यह जा रहा ना? हमने एक लाइन नीचे से खींची फ्रस से, ओ से लेके जी तक भी, जी है ना, ओ से लेके जी तक, ये फ्रस की लाइन अभी, जो उस लाइन के साथ जेड घर कितना बना रही है? 90 डिग्री। समझ में आया? कर पाओगे? तो आपको बताना है डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या आंसर आएगा, डायग्राम बनाइएगा एक बार। सर देखिए अभी क्लास, ये समझ में आया पॉइंट आपको? 90 क्यों बन रहा है? हो जाएगा अभी, देखो ये वेक्टर बना लेता हूँ उसको, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है भाई क्लास, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, ट्रायंगल कौन सी यूज़ कर रहा हूँ? इन द ट्रायंगल्स ओ जी डी, दिख रही है ट्रायंगल आप लोगों को? ओ जी डी, यस सर ना? क्या यहाँ पे ट्रायंगल्स लॉ अप्लाई कर सकते हो? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस पे, तो इस कंडीशंस में व्हाट इज रिजल्टेंट वेक्टर्स पे? ओ डी, नाम बोला करो पहले, ओ डी क्या है इसका? रिजल्टेंट, सही है कि नहीं है? ओ डी क्या है? रिजल्टेंट क्यों है भाई? देखो ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम ऑर्डर में है, ये कौन सा है? ये कौन सा है? अरे जेड भाई, सारे खड़े वाले लाइंस कौन सी हैं? जेड को दिखाते हैं, कर लोगे? तो कौन सी वेक्टर है भाई क्लास? ओ जी प्लस जी डी। अब प्रॉब्लम क्या है? ओ डी मेरे को पता है क्या है, ओ डी क्या भाई? ए। व्हाट इज जी डी? जेड नहीं है, ए जेड, कौन सा है? ए जेड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओ जी? पता ही नहीं ओ जी क्या भाई, ये तो बीच में लाइन खींची उन्होंने फ्रस के भी। अब ये निकालते हैं, कर लोगे? इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लूं भी, इसको निकालने के लिए फिर ट्रायंगल्स यूज करता हूँ। इन द ट्रायंगल्स ओ जी एफ, इन द ट्रायंगल ओ जी एफ, देखो भाई ये ओ जी हो गया, ये यहाँ से वेक्टर जा रहा है क्लास, कौन सा है? ए वाई, ए एक्स, ये वाला कौन सा वेक्टर है भाई? ए वाई, सही है कि नहीं है? ए वाई, और ये वाला ओ जी है ही। देखो ये सारे एक्स हैं भाई, यस और नो? ये वाले सारे कौन से हैं? वाई, और ये वाले जो खड़े हैं लाइंस जेड, तो कोई भी हो सके, कर लोगे? तो ये वाले कौन से हैं? ए वाई, ए वाई, ए वाई, यस और नो? ये जो लाइन खड़ी हुई है ए जेड, जो ये सी लाइन है इस तरफ जा रही है, एक्स, कर लोगे भी? तो इस ट्रायंगल्स के अंदर में कौन सा वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर है भाई क्लास? एफ जी कहाँ गया? एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, क्या सेम ऑर्डर में है? एक वेक्टर ऐसे, एक वेक्टर ऐसे भी, क्या सेम ऑर्डर है? ये वाला अपोजिट ऑर्डर में है, जो अपोजिट होगा वही क्या है? रिजल्टेंट है। तो ओ जी वेक्टर इज इक्वल टू किसके भी? ओ एफ वैक्टर प्लस एफ जी वैक्टर भी, क्या मैंने सही लिखी बात? यस सर नो? इसको रख देते फर्स्ट में भाई, पुट इन द फर्स्ट इक्वेशंस भी। फर्स्ट कौन सी है? ओ डी बराबर है किसके भी? ओ जी किसके बराबर है क्लास? ओ एफ प्लस एफ जी प्लस जी डी, सही है कि नहीं है? इसके साथ रख दिया मैंने, दो ये हो गए, एक ये हो गया, तीन हो गए भी, ओके क्लास? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओ डी भाई? वैल्यू लिखो अभी, ये वेक्टर है ये। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओ एफ? ओ एफ देखो क्या है? ए एक्स,
व्हाट द वैल्यू ऑफ एफ जी? ए वाई। व्हाट द वैल्यू ऑफ जी डी? ए जेड वी। तो मैंने क्या बोल दिया कि मेरा वेक्टर ए तीन भागों में टूट चुका है भाई, ए एक्स में, ए वाई में और ए जेड में। तो आपको अभी क्या निकालना है? इन तीनों की वैल्यू निकालनी है। समझ में आई कि नहीं आई? यस और नो? ये कौन से कंपोनेंट हो गए इसके? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। दो एक दूसरे क्या है? 90 डिग्री पे है तीनों भी। ये वाला और ये वाला क्या है? 90 पे हैं एक दूसरे के भी। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब निकालो भैया, व्हाट द वैल्यू ऑफ ए एक्स, व्हाट द वैल्यू ऑफ ए वाई, व्हाट द वैल्यू ऑफ ए जेड। सब कर दें ये वाला सिस्टम सारा। हो गया अभी? अब आपको ए एक्स निकालना है, ए वाई निकालना है, ए जेड निकालना है। ए एक्स किसके अकॉर्डिंग है भाई? क्लास एक्स के अकॉर्डिंग है, वाई ए वाई वाई के अकॉर्डिंग है, ए जेड जेड के अकॉर्डिंग है। तो कुछ ना कुछ तो डायरेक्शन होगी उनकी भी। तो मान लेते हैं भाई, आई जे एंड के आर द यूनिट वेक्टर। क्या ये यूनिट वेक्टर्स अलोंग किसके अकॉर्डिंग भाई? एक्स वाई एंड जेड एक्सिस भी। क्योंकि वेक्टर को लिखने का तरीका क्या है? उसका मैग्नीट्यूड उसकी डायरेक्शंस भी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एक्स वैक्टर भी? इन टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड कितनी वैल्यू है इसकी? ए एक्स किसके अकॉर्डिंग है ये? एक्स के अकॉर्डिंग। क्या दिखाता है एक्स के अकॉर्डिंग? आई वैक्टर को दिखाता है। मैंने आपको बोला था किसी वैक्टर को लिखने का तरीका क्या है? उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शंस भी। सही है? डायरेक्शन कौन देगा आपको? यूनिट वेक्टर देगा भी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए वाई? ए वाई जे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए जेड? ए जेड के। तो कंप्लीट ए वेक्टर क्या बन गया आपका भाई? ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। समझ में आया भाई? ये हम बार बार यूज कर रहे हैं क्वेश्चंस के अंदर भी। ए बराबर है 3i प्लस 2j प्लस 3k। यूज नहीं किया हम लोगों ने, ये वो है भाई। दिस आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ एनी टू वेक्टर्स भी, एनी वेक्टर्स भी इन 3D एंड 2D। दो दो के लिए दो करो, तीन के लिए तीन करो भाई। यस और नो? समझ में आई बातें? अब आपको क्या करना है? इसकी वैल्यू निकालनी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इन टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड और व्हाट इज डायरेक्शंस ऑफ ए इन टर्म ऑफ एंगल्स भी। कर लोगे भाई तो अभी लिखिएगा। इतना हो गया अभी क्लास। वेक्टर का लास्ट टाइम प्रूव किया था ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। इसके बाद देखते हैं इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं भाई। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर में, ठीक है? आपको पता था ये एंगल कितना था भाई आपका? 90 डिग्री का, ठीक है? इसी ट्रायंगल्स का दोबारा यूज करता हूँ भाई। इन द ट्रायंगल्स ओ डी जी, इन द ट्रायंगल ओ डी जी, इस राइट एंगल ट्रायंगल्स के अंदर पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो भाई? यस और ना? तो कितना आंसर आएगा? ओ डी स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ जी स्क्वेयर प्लस सी डी स्क्वेयर, सॉरी जी डी, जी डी स्क्वेयर। कैसे लिखा है? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम भी। अगर सही है कि नहीं है? अब देखिए ओ डी की वैल्यू मेरे को पता है भाई, ए वैल्यू की बात कर रहा हूँ। ओ जी की वैल्यू पता नहीं कितनी है। ओ जी डी की, जी डी कहाँ पे है, कितनी है? ए जेड है। आपको ओ जी की वैल्यू पता नहीं है, इसके लिए फिर ट्रायंगल्स यूज करता हूँ। इन द ट्रायंगल्स ओ जी एफ, दिख रही है ट्रायंगल्स भी? ओ जी एफ दिस ट्रायंगल्स भी। क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है? ओ जी एफ ये कोने नहीं बन रही है? कितना एंगल बन रहा है? कोना है 90 डिग्री का एंगल है। ये कितना एंगल बना रहा है? ये वाला कितना एंगल है? ये 90 का लग रहा आपको? यस भी है 90 का भी। ये कोना कौन सा है इस रूम में? अगर ये ओ पॉइंट है तो ये कोना कौन सा है? अगर ये ओ पॉइंट है तो एफ कौन सा अभी? तो कितना एंगल बना रहा है? कितना एंगल? 90 है। सही है?
एक ये साइड है, एक ये साइड है, एक फ्लोर है भाई ये बीच की। राइट एंगल ट्रायंगल है, यस सर ना? तो कैसे लिखोगे? बैठ जाओ। ओ जी स्क्वेयर बराबर किसके भी, ओ एफ स्क्वेयर प्लस जी एफ स्क्वेयर भी। क्या मैंने सही लिखा? ओ जी स्क्वेयर इज इक्वल टू दिस स्क्वेयर प्लस दिस स्क्वेयर, सही है? तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओ जी, ओ जी तो निकालना मेरे को वैसे भी, ओ जी स्क्वेयर बराबर है किसके भी, ओ एफ का वैल्यू कितना है अभी? चलो एक बार फुट करते हैं वैल्यू, बाद में ले लेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओ डी स्क्वेयर भी, ओ डी स्क्वेयर कितना है इसके, इससे ओ जी कितना है, ओ एफ स्क्वेयर प्लस जी एफ स्क्वेयर प्लस जी डी स्क्वेयर भी, सही लिखा है? इसमें पुट कर दिया वैल्यू मैंने, कर लोगे अभी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओ डी भी, डायग्राम से भी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओ डी, ए ए स्क्वेयर हो गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओ एफ भी, ओ एफ क्या है, ए एक्स, ए एक्स स्क्वेयर प्लस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी एफ, ए वाई के अकॉर्डिंग है, ए वाई स्क्वेयर प्लस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी डी, जी डी एरा इट इज ए जेड स्क्वेयर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए क्लास, अंडर द रूट ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर प्लस ए जेड स्क्वेयर। ये हमने यूज़ किया हुआ है यूनिट वेक्टर निकालने के लिए, मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका भी। यूनिट वेक्टर लिखा था, ए का वैल्यू लिखा था हम लोगों ने, ये आंसर लिखा था अभी, अंडर द रूट ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर प्लस ए जेड स्क्वेयर, याद है? लिखिएगा इसी में डायरेक्शन ऑफ आर वे, डायरेक्शन ऑफ ए, डायरेक्शन ऑफ ए, डायरेक्शन के लिए हमेशा एंगल निकाले जाते हैं अभी, सही है? व्हाट इज ए क्या था अभी क्लास? इस रूम में देखो अभी, ये यहाँ पे ओ पॉइंट में माना था, ये जो वेक्टर यहाँ से वहाँ तक जा रहा है अभी, ये ए था, यस और नो? ये ए वेक्टर है अभी, पूरा हवा में है, ये तीनों में है, एक्स में भी है, वाई में भी है, जेड में। ये मैंने ए एक्स मानी हुई है, ये मैंने वाई मानी हुई है, और ये क्या थी, जेड। ये पूरा वेक्टर कंप्लीट वेक्टर है क्लास, ये से जा रहा है। ये कितने एंगल बना रहा है एक्स के साथ भी, कोई तो एंगल होगा, वाई के साथ, जेड के साथ, तीनों एंगल बनेंगे क्लास। एक्स के साथ कोई एंगल बनाएगा, ये एंगल कितना मान लेते हैं, अल्फा भाई। कौन सा एंगल है देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे नहीं आएंगे समझ में आपको क्या हो रहा है। ये वेक्टर पूरा है, यस और नो? ये एक्स एक्सिस है, ये रीचेबल लाइन, ये जो एंगल बन रहा है अभी इसके साथ, कौन सा एंगल है ये, अल्फा। ये वेक्टर है, ये बना रहा है वाई के साथ भाई, वाई बना रहा वहाँ पे बीटा, ये बना रहा है जेड के साथ गामा भी। तो तीन एंगल बना रहा है, अल्फा बीटा और गामा। एंगल निकालने हैं आपको कि किस एंगल पे जा रहा है वेक्टर आपका भाई, डायरेक्शंस के लिए कर लोगे। देख लीजिए, लेट लेट अल्फा बीटा गामा, लेट अल्फा बीटा गामा आर द एंगल, आर द एंगल मेड बाई, आर द एंगल मेड बाई ए वेक्टर, ए वेक्टर विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अल्फा बीटा गामा आर द एंगल मेड बाई ए विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ए जेड एक्सिस। कर लोगे? देखो अभी यहाँ पे वाई कौन सी है, ये अभी यहाँ पे बना के देखो एंगल, आप बना के देखो, अजीब सा बनेगा एंगल, अभी दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे एक्चुअल में का ये वेक्टर है और ये वाई एक्सिस है, ये एंगल जो बन रहा है अभी यहाँ पे, ये है आपका बीटा। गामा कौन सा है, ये वाला भी। कर लोगे अभी? अब क्वेश्चन है, ये वेक्टर गिवन है, ठीक है, ये लाइन यहाँ पे खींच रखी है आपको, राइट एंगल ट्रायंगल बनानी, तो कैसे बनाओगे वे? एक लाइन यहाँ जा रही है वहाँ से यहाँ तक, अरे देख लो उस तरफ भी देख लो, वैसे बैठे हुए आराम से, ये सर ना, एक यहाँ पे जा रही है, एक लाइन ये जा रही है, एक कोना ये हो गया, एक कोना वो हो गया, एक लाइन वहाँ से ड्रा करूँ इस कोने से कोने तक भी,
यस और नो? तो ये जो लाइन है ये इस लाइन पर कितना एंगल बना रही है? 90 डिग्री का भी। कैसे भी कर ले, ये लाइन ऐसी है, कैसे भी चला जाए, इट इज़ ऑलवेज मेक 90 डिग्री एंगल से। समझ में आ रहा है? तो क्या बन गई, एक राइट एंगल ट्रायंगल्स बन गई। यस और नो? इस ट्रायंगल से अगर आपको कोस निकालना हो, कैसे निकालोगे? अभी बेस कौन सा हो जाएगा? एक तो साइड ये है, एक साइड ये है, एक साइड ये है, अभी जो वेक्टर आ रहा है ये बेस होगा। 90 है, ये स्मॉल एंगल बन रहा है यहाँ पे अल्फा, ये बेस होगा भाई, बेस भाई हाइपोटेनस। क्या निकल जाएगा? कॉस निकल जाएगा। यस और नो? व्हाट द वैल्यू ऑफ बेस भाई? ए एक्स। ये कितना है? ए। क्या निकल जाएगा? कोस अल्फा। समझ में आया थोड़ा बहुत? यस और नो? तो इससे हम कैसे निकालोगे? देखो यहाँ पे ये पॉइंट बना नहीं रहा, ये दिख रहा आपको? ठीक है, ये अल्फा बना रहा है अभी इसके साथ ही। तो कैसे बनेगा अल्फा? बताओ कोस अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ से भी लिखिए, फ्रॉम द ट्रायंगल्स, भी ट्रायंगल दिखा नहीं रहा यहाँ पे मैं, फ्रॉम द ट्रायंगल्स व्हाट द वैल्यू ऑफ कोस अल्फा, भी बताओ कितनी है आपके अकॉर्डिंग? अभी निकाला आप लोगों ने, कितनी आएगी? लिख सकता हूँ ए एक्स बाई ए। व्हाट द वैल्यू ऑफ ए एक्स? भी ए कोस अल्फा। भी सही है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसी तरीके से आपको निकालना है कोस बीटा। वे ट्रायंगल कौन सी यूज़ करनी, देखिएगा ध्यान से। देखो ये वेक्टर है पूरा, वाई कहाँ पे भाई? ये लाइन पूरी वाई है, एक कोना ये हो गया, एक कोना वो हो गया, ये लाइन ड्रा करें वहाँ से वहाँ तक भी। तो ये लाइन क्या करेगी, इस पर कितना एंगल बनाएगी? 90 डिग्री। क्या हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल्स, ऐसे बनेगा ये। यस और नो? क्या बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल्स। यहाँ से कोस बीटा निकाल के देखो, बेस कौन सा होगा? ए वाई द बेस। यस और नो? ये क्या होगा, समझ में आ रहा है? यस और नो? तो व्हाट द वैल्यू ऑफ कोस बीटा? भी क्या लिखोगे? ए वाई बाई ए। तो व्हाट द वैल्यू ऑफ ए वाई? ए कोस बीटा। भी इस डायग्राम में देखना पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ें कर लोगे। फिर आपको बताना है गामा के साथ भी, गामा देखो कौन सा बनेगा। ये वेक्टर कंप्लीट है, गामा कौन सा भाई? इसके साथ भी। यस और नो? एक ये वहाँ तक कोना यूज़ कर रहे हैं, फिर ये वाला ये कोना, ये लाइन यहाँ से ड्रा करें बीच में से वहाँ तक भी। यस और नो? ये लाइन इसका कितना एंगल बनाएगी इस साइड के साथ भी? 90 डिग्री। ये कितना एंगल है? गामा। ये क्या बन गया पूरा? बेस। यस और नो? और ये क्या है? और वो क्या है? परपेंडिकुलर। समझ में आई बात भाई? यस और नो? व्हाट द वैल्यू ऑफ कोस गामा? क्या लिखोगे? ए जेड बाई ए। ए जेड बाई ए। व्हाट द वैल्यू ऑफ ए जेड? भी ए कोस गामा। समझ में आया? यस और नो? कर पाओगे? तो इसको कहाँ रखें, इस इक्वेशंस को? भी डायग्राम हो गया अभी, डायग्राम में किसी को प्रॉब्लम हो क्लास, किसी को ये बात समझ में नहीं आया जो मैं लिखवाई है यहाँ पे? डायग्राम बनाना पॉसिबल नहीं है अभी यहाँ पे। ओके, आपको बताना पड़ेगा 3D के अंदर कि अल्फा बीटा गामा कैसे है। समझ में आया भाई जो लिखवाया आपको? हमने एक इक्वेशन अभी प्रूव की थी भी, व्हाट द वैल्यू ऑफ ए स्क्वेयर? क्या था? ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर प्लस ए जेड स्क्वेयर, यही की था। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एक्स ए वाई एंड ए जेड, भी कितना आएगा भाई? ए स्क्वेयर बराबर है। व्हाट द वैल्यू ऑफ ए एक्स? भी तो क्या लिखोगे? ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर अल्फा भी प्लस ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर बीटा प्लस ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर गामा। भी कैसे लिखा है? पुट कर दिया वैल्यू ए एक्स का, ए वाई का और ए जेड का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा अभी? यहाँ से ए स्क्वेयर को बना सकते हैं, ए स्क्वेयर से ए स्क्वेयर काट दूँ, क्या बचेगा? वन बराबर है कोस स्क्वेयर अल्फा प्लस कोस स्क्वेयर बीटा प्लस कोस स्क्वेयर गामा। दिस इज द डायरेक्शंस ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर्स।
तीनों में आ रही है भाई, अल्फा बीटा गामा एक्स में है, वाई में है और जेड में है। तो आपको ये बताएंगे कि आपका ये वेक्टर कहाँ जाएगा अभी 3D के अंदर, डायरेक्शंस क्या रहेगी। समझ में आई थोड़ी बहुत? यस और नो? सॉरी क्या बोल रहा, उल्टा बोल गया। इस वेक्टर के कंपोनेंट कहाँ पे जाएंगे, एक्स में वाई में और जेड में कैसे जाएंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम रिजोल्व कर रहे हैं, रिजल्ट ही निकाल रहे, तोड़ रहे हैं वेक्टर्स को भी। ए वेक्टर को तोड़ दिया तीन भागों के अंदर, ए एक में एक्स की तरफ गया, एक वाई की तरफ गया, एक कौन सा जेड की तरफ, कैसे जाएगा इस डायरेक्शन के हिसाब से भी। समझ में आया भाई? टॉपिक कंप्लीट क्लास, ओके। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी, पहली बार आ रहा है 5 मिनट टॉपिक आपके सिलेबस में भी। सही है, रेजुलेशंस ऑफ वेक्टर इन 3D भी। टॉपिक का नाम है एप्लीकेशंस भी, एप्लीकेशन ऑफ रेजुलेशंस ऑफ वेक्टर, एप्लीकेशन ऑफ रेजुलेशंस ऑफ वेक्टर, जो वेक्टर अपनों रिजोल्व किए हैं उनका यूज़ कहाँ पे है अभी, एप्लीकेशंस क्या है अभी। ठीक है, कहाँ यूज़ हो सकता है, फर्स्ट पॉइंट डालिएगा। पहला पॉइंट है वॉकिंग ऑफ ए मैन, हम चलते कैसे हैं, अरे चलते कैसे हैं, हम क्या करते हैं, अपने पंजे से अर्थ पे फोर्स लगाते हैं, उसको बोलते हैं एक्शन हुआ भी, और अर्थ हमको उल्टा कह देता है, उसका रिएक्शन देता है अभी। हम अर्थ को पीछे दिखाते हैं, अर्थ हमको आगे दिखाती है। यस सर नो? अगर मैं फोर्स में ऐसे लगा रहा हूँ चल पाऊँगा भाई? यस सर नो? तो हम क्या करते हैं हमेशा अर्थ पे फोर्स लगाते हैं, एक एंगल बना के भी हमेशा भी। समझ में आया? क्या बनाते हैं हम हमेशा, एक एंगल बनाते हैं अभी, एंगल से फोर्स लगाया, इट इज़ एफ। तो फोर्स ऐसे जा रहा है मान लेते हैं अर्थ के ऊपर, ये पूरा है, किस एंगल पे जा रहा है, एट एंगल थीटा भी। यस सर ना? विद ग्राउंड है, ये भी थीटा है, तो ये भी थीटा होगा। यस सर ना? तो अर्थ क्या करेगी, हमको अपना रिएक्शन भी देगी, अपोजिट रिएक्शंस भी। समझ में आता है? एवरी एक्शन हैविंग इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस भी, न्यूटन्स लॉ बोलता है। तो जितना फोर्स आप बॉडी पे लगाओगे, बॉडी उतना ही फोर्स आप पे भी लगाएगी। यस सर ना? बट इन द अपोजिट डायरेक्शंस। यस सर ना? अगर मैं आर को रिजोल्व कर लूँ कंपोनेंट की टर्म में भी, कैसे करोगे बताओ? आर को करना है, जहाँ पे एंगल बना हुआ है वो क्या होता है, वो कॉस थीटा होगा, और इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर क्या होगा, आर साइन थीटा। समझ में आ रहा है? मैं बोला था रिजोल्व कैसे करेंगे, जहाँ पे एंगल बना होगा वो कॉस के लिए होगा, उसके 90 डिग्री पे कौन सा होगा, साइन वाला। भी वेट कहाँ पे होता बॉडी का, भी वेट हमेशा नीचे होता, भी ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, भी हमेशा कहाँ से होते डायरेक्शन उसके वेट की, सेंटर की तरफ होती है। ये एम जी है भाई, एम जी क्या है, वेट, एम जी बोलते हैं वेट को। यस और नो? इतना कुछ हो रहा है अभी, अब बताओ भाई हमारे वेट को कौन बैलेंस कर रहा है अभी, कौन सा फोर्स बैलेंस कर रहा है, आर साइन थीटा भी, और ड्यू टू आर कोस थीटा हम क्या कर पा रहे हैं, आगे चल पा रहे हैं। यस और नो? आप चल रहे हो और गिरते क्यों नहीं अभी, क्योंकि आपका वेट को किसी ने बैलेंस किया हुआ है। लिखो वी अप्लाई ए फोर्स, लिखो वी अप्लाई ए फोर्स ऑन द ग्राउंड, वी अप्लाई ए फोर्स ऑन द ग्राउंड विद आवर फीट, विद आवर फीट एट एंगल थीटा, विद आवर फीट एट एंगल थीटा। हम क्या कर रहे हैं, ग्राउंड पे फोर्स लगा रहे हैं अपने पैर से, किस एंगल के ऊपर, थीटा। यस और नो? आगे लिखिए आर इज द नॉर्मल रिएक्शन, भी आगे डिस्कस करेंगे 3 मिनट में इसको। आर क्या है इसका, नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि आपको पता होना चाहिए एवरी एक्शन हैविंग इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस, भी कर लोगे, आर इज द नॉर्मल रिएक्शंस। आगे लिखो रिजोल्व, रिजोल्व आर इंटू कंपोनेंट फॉर्म, भी
रिजोल्व आर इंटू कंपोनेंट फॉर्म, लिख दिया एज सियोजिन डायग्राम भी, जो डायग्राम बना रखे हैं बस बताएं, जरूरत नहीं है कैसे बनाने हमको, कर लोगे एज सियोजिन डायग्राम, डायग्राम बना लिया ना, कर लोगे। अब डायग्राम से देखिएगा भाई, आर साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, हमारे वेट को बैलेंस, इस वजह से हम गिरते नहीं हैं। देख लीजिए आर साइन थीटा, आर साइन थीटा बैलेंस द, आर साइन थीटा बैलेंस द वेट ऑफ द बॉडी, आर साइन थीटा बैलेंस द वेट ऑफ द बॉडी एंड ड्यू टू आर कोस थीटा, ड्यू टू आर कोस थीटा वी मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ड्यू टू आर कोस थीटा वी मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, वी मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। आर कोस थीटा की वजह से हम कहाँ चलते हैं, आगे चल पाते हैं। समझ में आया भाई? तो वॉकिंग किसका एग्जाम्पल है, रेजुलेशन ऑफ वेक्टर का भी, कर पाओगे, हो जाएगा, आती हो किसी को, रेडी देखी होंगी। तो आसान कौन सा है, खींचना आसान है कि धक्का मारना आसान है, पक्का है, लिख लीजिए। फिर सेकंड पॉइंट है, लिखिए इट इज इजी टू पुल, इट इज इजी टू पुल ए लॉन रोलर, लॉन एल ए डब्ल्यू एन, लॉन रोलर आर ओ डबल एल ई आर, इट इज इजियर टू पुल ए लोन एल ए डब्ल्यू एन लोन रोलर आर ओ डबल एल ई आर देन टू पुश इट, देन टू पुश इट। मैंने क्या लिखवाया, उल्टा दिया हमने, क्या बोल दिया, इट इज इजी टू पुल ए लोन रोलर देन पुश, हो सकता है तुम उल्टा बोल रहे हो, किसने बताया, तुमने बताया था, मैंने पूछा तुमसे, खींचना आसान है धक्के मारने से भी, कुछ भी बोलते रहते हैं। लोन रोलर क्या होता है, देखा कभी रोलर, देखा है गेड़ा, देखा है सड़क पे चलता हो, उसका छोटा पार्ट होता है ऐसे, एक सिलेंड्रिकल फॉर्म होता है और उसको हाथ से धक्का मारते हैं ऐसे ग्राउंड करने के लिए, एक दूसरा करने के लिए, देखा हो पिच बनाने के लिए लोन रोलर देखते हैं हम लोग, देखा है कि नहीं देखा हुए, उसको खींचना आसान है कि पुल करना, यार रेडी देख लो। अब क्वेश्चन आपको लगता है क्या, उसको क्या कर आसान है, पुश करना आसान है भाई, हम बोल के कर रहे हैं फिर बोल रहे हैं उसको पुल करना आसान है, कैसे भाई, ये लोन रोलर का पहिया है, अभी खींचोगे कैसे इसको, कैसे पुश लगाओगे, रेडी है ऐसे पकड़ोगे, ऐसे जाओगे, यस और नो, यस और नो, धक्का कैसे मारोगे, रेडी है ऐसे, डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी, खींचने के लिए खींचना है इस पहिए को भी, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये होगी बाहर की तरफ भी, यस और नो, इसको धक्का मारना हो तो भाई डायरेक्शन फोर्स क्या होना चाहिए, ऐसे ऐसे मारते धक्का, यस और नो, खींचते कैसे हैं, बाहर की तरफ फोर्स होता मेरा, नहीं समझ में आई बात भाई, ये किसका केस है, पुल का, किसके लिए है ये पुल, ये किसके लिए है, पुश भी, ओके। अब जाओ भाई मेरे को, ये जो एफ है कुछ एंगल बनाएगा विद हॉरिजॉन्टल्स भी, कितने एंगल बना लेते हैं, थीटा भी, अगर आप एफ को रिजोल्व कर लेते हो कंपोनेंट की टर्म में भी, यहाँ पे क्या आएगा, अभी एफ कोस थीटा, और इसके बिल्कुल आएगा परपेंडिकुलर कौन सा भी, एफ साइन थीटा, वेट कहाँ पे होगा इसका, हमेशा नीचे होता है वेट भी, डब्लू मान लें, कर लोगे, इसमें क्या होगा भाई, इसमें फोर्स ऐसे जा रहा है आगे की तरफ, देखो ये सर ना एफ है, कितने एंगल पे था ये फोर्स, ये भी थीटा एंगल पे मान लेते हैं, ये भी कितने पे होगा, थीटा होगा ये भी, यस और नो, एफ को रिजोल्व करो, ये एफ है भाई, ये पूरा एफ है फोर्स, यहाँ पे कितना आएगा अभी,
जहाँ पे एंगल बना हुआ है एफ कॉस थीटा, यहाँ पे कितना आएगा एफ साइन थीटा भाई, एफ साइन थीटा। वेट कहाँ पे होगा भाई, नीचे ही होगा। वेट डब्ल्यू कहाँ पे होगा, हमेशा नीचे होता हो तो। यस सर ना, दोनों डायग्राम समझ में आ रहा है आपको भाई? किस कंडीशंस के अंदर इफेक्टिव वेट बढ़ रहा है भाई? वेट में, वेट को कौन हेल्प कर रहा है, किस कंडीशन में हेल्प की जा रही वेट को भी? इस कंडीशन में वेट और ये फोर्स दोनों उल्टी डायरेक्शन में है अभी, तो ये वेट को ये एफ साइंस का क्या कर रहा होगा, घटा रहा होगा भाई, उल्टा भाई। दो वेक्टर हैं, डायरेक्शन उल्टी है, तो क्या करोगे, ऐड करोगे माइनस करोगे? मुश्किल चीज़ पूछ लिया है ना। दो वेक्टर हैं, एक डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन उल्टी हैं भाई, प्लस करोगे माइनस करोगे? माइनस करोगे। ये दो वेक्टर हैं सेम डायरेक्शन में, इफेक्ट वेट बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। यहाँ पे वेट क्या होगा, घटेगा। अच्छा कौन सा है, पुल करना आसान है कि पुश करना आसान है? क्यों, वेट कम हो रहा है भाई, यहाँ पे वेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। हैवी चीज़ को आसान खींच सकते हो कि मुश्किल से खींच सकते हो? हैवी चीज़ को, हैवी चीज़ को खींचने में प्रॉब्लम आ रही है भाई, वेट बढ़ रहा है। ये हल्की हो रही है, वेट घट रहा है। ये सर ना, आसान किसको है, इसका वेट कम हो गया। ये सर ना, दिस इज इजी, पुलिंग इज मोर इजियर देन पुशिंग। तो लिख लीजिए इसमें एक बार, लिखो इफेक्टिव वेट, इफेक्टिव वेट इन पुलिंग, इफेक्टिव वेट इन पुलिंग इज डिक्रीज, इफेक्टिव वेट इन पुलिंग इज डिक्रीज, एंड इफेक्टिव वेट इन पुशिंग, इफेक्टिव वेट इन पुशिंग इज डिक्रीज, सॉरी इंक्रीज, इफेक्टिव वेट इन पुशिंग इज इंक्रीज, सो पुलिंग इज मोर इजियर देन पुशिंग। समझ में आई बात है, पुलिंग इज मोर इजियर देन ए पुशिंग।